बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दही भल्ले की रेसिपी देती हूँ। ये मेरी खुद ज़ाती रेसिपी है, बहुत लोग इसी किस्म के बनाते होंगे, लेकिन मैंने ये खुद ही अपनी मेरी ज़ाती रेसिपी है, मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए 1 कप बेसन, तकरीबन आधी से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर, अगर आप मीठा सोडा डाल रही हैं, बेकिंग पाउडर नहीं है तो उसमें 1/4 चम्मची बेकिंग मीठा सोडा डालें, 1/2 चम्मची सुरख मिर्च, 1/2 चम्मची वो जो उसका अदरक का पाउडर है, और ये लहसुन का पाउडर है 1/2 चम्मची। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर ना हो तो आप ताज़ा भी उसको उसको पीस कर उसको वो भी डाल सकती हैं। और 1/2 चम्मची नमक है और 1/2 चम्मची गर्म मसाला है। और उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि घोल के बताती हूँ कैसे इसको करना है। ये देखें, 1 कप बेसन, ये मीठा सोडा, ये सुरख मिर्च, ये अदरक का पाउडर, ये लहसुन का पाउडर, सब आधी आधी चम्मच डालने हैं, ये नमक है और ये गरम मसाला। अब इसमें देखते हैं कितना पानी लगता है। मैंने 1 कप पानी लिया है, अब इसे देखते हैं, हो सकता है आधा लगे या देखते हैं। देखिए इसको बहुत पतला नहीं घोलना, ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए। इसमें जो गुठलियाँ होंगी ना, अगर छान के डालें बेसन या हर चीज़ तो वो अच्छा है, अगर नहीं छान के डाल तो फिर उसको ऐसे चमचे से मैश करते जाएं तो होता जाएगा। तकरीबन 1 कप पानी डलेगा, ना बहुत ज्यादा रनिंग फॉर्म होनी चाहिए और ना बहुत ज्यादा जो है वो गाढ़ा, बहुत ही गाढ़ा होना चाहिए, बस नॉर्मल होना चाहिए। मैंने सारा मिक्स कर लिया और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे तलना है और इसके साथ वो जो क्या करना है भल्लों के साथ, मैं आपको बताती हूँ। 15 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दूंगी।